तो रिसेंटली मैं आइकिया गई, जहाँ से मैं ढेर सारे जार्स लेके आई। देखो ये कितने सारे कंटेनर्स मैं वहाँ से लेके आई हूँ, और उनमें से ये हैं दो जो कि मैं नमक वगैरह के लिए और ब्लैक पेपर या फिर चाट मसाला फिल करूँगी। मेरे पास ऐसा कोई था नहीं जिसे स्प्रिंकल करने के लिए होता है ना, तो सबसे पहले मैंने वॉश करूँगी फिल करने से पहले। और ये जो जार का पैक था ये 219 का था, 219 में दोनों मुझे मिले, काफ़ी अच्छी डील थी, डोंट यू थिंक। और एक ये मैं प्लेट लेके आई हूँ जो जनरली दाल चावल या करी चावल कोई भी सूपी चीज़ खाने के काम आती है। इसे मैं बहुत टाइम से, मतलब मैं 3 टाइम्स पहले भी आइकिया जा चुकी हूँ, देखी थी, बट हमेशा ये वाली जो प्लेट्स होती थी ना ये 1000 अराउंड की वन मिलती थी, अभी मुझे 4 मिल गई 1349 में। तो मैंने सोचा इस डील को बिल्कुल ग्रैब कर लेती हूँ, इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, काफ़ी हैवी है, बट सोचने वाली बात यह है कितने दिन चलती है, मुझे टूटती नहीं है। अभी मैं इन्हें वॉश कर लेती हूँ। टोटल ये 4 का सेट है, इसका कलर काफ़ी अच्छा है, ग्रे और थोड़ा मस्टर्ड येलो जैसा एक लाइनिंग है। आज मेन्यू में क्या है, आज है सिंपल सा लंच, एकदम कढ़ी बना रही हूँ और साथ में बना रही हूँ चावल। और पता नहीं मुझे तो ना घर का ये सिंपल खाना अच्छा लगता है बनाना, और घर को डेकोरेट करना, ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मतलब मैं जेन्युइनली बता रही हूँ। घर को क्लीन रखना, खाना बनाना, ऐसी सिंपल सी लाइफ मुझे काफ़ी पसंद आती है। इसको मैंने 3 टाइम्स धो लिया, अब इसको पानी में भिगो के रखूँगी। और पता नहीं मुझे ना हमेशा स्टीम राइस अच्छे लगते हैं, चावल बनाने के लिए रख रही हूँ। ये वाला जो मेरा चावल बनाने का बर्तन है ना, मतलब ये बॉईल करने के लिए, ये बहुत ही अच्छा बर्तन है। इसका लिड है, ये प्योर स्टील का बना हुआ है, और ये किस ब्रांड का है, मेयर ब्रांड का है। मैंने इसे अमेजन से ही लिया था, 3250 का इसको मैंने शायद ख़रीदा था, आई नो थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे है। कंटेनर है जो कि मैं आइकिया से लेके आई हूँ, इसे मैंने धो दिया। ये 2 लीटर के हैं, पहले मतलब मेरे पास 1 लीटर के हैं पर 2 लीटर का कंटेनर नहीं थे, इस बार मैं वो लेके आई हूँ। तो मैं इसे अच्छे से धो धा कर सुखा के और पूछ के इसमें सामान रखूँगी, जैसे कि ये जो मूसली है ना ये मेरे फ्रिज में ऐसे ही इसमें रखी रहती है, और इसलिए मुझे इसे फ्रिज में रखना पड़ता है ताकि ख़राब ना हो। तो अब फाइनली इसको डब्बा मिल गया। और ऐसा भी नहीं है कि मेरे घर में सब वही एस्थेटिक आईके वाली की कंटेनर्स हैं, ऐसे भी हैं। ये वाला जो कंटेनर है ना ये मेरे घर घी आता है उसमें से निकलता है, और हम इसको ऐसे धो के यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि आप हर एक चीज़ इतनी महंगी खरीद सको, थोड़ा थोड़ा ऐसे भी जुगाड़ करना चाहिए, और इसमें बुराई भी कुछ नहीं है। और ये वाला ना मैं पहले लेके आई थी जब फर्स्ट टाइम आइकिया गई थी, ये 2 kg का है। मैंने मतलब बेसिकली दाल छोले इन सब के लिए रखा है, इसमें 1 kg दाल 2 kg दाल आराम से आ जाती है। ये एयर टाइट सही है बट मुझे इसकी शेप बहुत अच्छी लगती है, मेरी जो ओपन शेल्फ है किचन में उसमें काफ़ी सुंदर एस्थेटिक सा लुक देते हैं। मेरे राइस बन गए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ इसकी खासियत। मुझे मतलब मेरी कलाइयाँ बहुत ही कमज़ोर सी हैं, तो ना मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें उठा नहीं पाती। ये काफ़ी सही है, देखो इसका जो ये ढक्कन है इसके साइड में ऐसे छेद है, और यहाँ पर ये इस टाइप की शेप है इसमें इस पॉट में, और इस तरीके से ये सारे राइस का जो पानी होता है इजीली निकल जाता है, वरना मुझे मेरे हस्बैंड की हेल्प लेनी पड़ती थी, अब उनकी हेल्प की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। बस इसको हल्का सा ऐसे पकड़े और हो गया काम। देखिए इन वाले बॉटल्स का ये कलेक्शन है, ये सारी बॉटल्स हैं जिसमें ये 2 कंटेनर्स हैं, बेसिकली 2 kg वाले, इनमें सारी मेरी दालें हैं। तो बैंगलोर में बहुत गर्मी है तो यार मटका तो लेना ही पड़ता है, और ये मटका ना मैंने खुद नहीं लिया है, मेरी फ्रेंड का था जो मैं उससे बोरो कर लिया। और ये मैं आपको बेसिक ये भी दिखाना चाहती थी, ये एक ट्रे है, ये भी मैंने आइकिया से ली है, ये 149 रुपीज़ की थी, क्योंकि क्या होता है ना जब भी आप मटका खोलो कभी ना कभी ग्लास ज़्यादा भर जाता है और पूरे में पानी हो जाता है, और ये जो मेरा ग्रेनाइट है ना ये पानी ऑब्जर्व करता है और बहुत ही क्योस भी हो जाता है किचन में, तो उसके लिए ये लगाइए, काफ़ी सही है यार ये 149 की, प्लास्टिक की है।
और ये इन्हीं वाले कंटेनर में से है। ये वाला कंटेनर मैंने लिया था 180 या 149 का था ये। और ये मैं इसमें साबुदाना डाल रही हूँ। अब मैं साबुदाना का खीर बनाने का सोच रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड का पास है इसे। और ये एक पीलर है, ये भी मैंने आइकिया से ही लिया है इस बार। इसके बारे में मैंने काफ़ी तारीफ सुनी थी कि और मुझे 249 का पड़ा, थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे, बट मेरी फ्रेंड बता रही थी काफ़ी अच्छा है। सो मैं इसे ट्राई करूँगी और आपको इसका रिव्यू दूंगी। और न्यू बर्तन में, नए बर्तनों में खाने का एक्साइटमेंट अलग ही होता है। कुकू जस्ट अभी नीचे से आई अपने फ्रेंड्स के साथ खेल के और वो बैठ गए कढ़ी चावल खाने को। कढ़ी चावल कैसे बने बच्चा? अच्छा। टेस्टी लग रहा है? और ये प्लेट कैसी लग रही है? अच्छी। अच्छा लग रहा है इसमें खाना आपको? और काफी लोग ना, जैसे आप उनके बच्चों को कांच के बर्तन में कुछ भी ऐसा खाना पीना दो या पानी दो, डरते हैं कि बच्चे तोड़ देंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर आप बचपन से ही बच्चों में हैबिट डालो तो वो लोग कभी ऐसे काम नहीं करते। तो मैं कुहू को बचपन से ही हम लोग कांच के बर्तन में खाना देते आए हैं। बोरोसिल का भी हुआ, अलग अलग ब्रांड्स के दिए हैं, बट ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है। और कभी कभी तो किसी से भी हो सकता है। तो थोड़ा सा हमें बच्चों को सिखाना पड़ेगा, बचपन से हैबिट डालिए, डरिए मत। मेरा लंच सिंपल से कढ़ी चावल, बस मैं इसमें थोड़ा सा घी डाल देती हूँ तो मुझे मजा आ जाता है खाने में। गाइस अभी शाम हो गई है, देखो कितना खूबसूरत सनसेट दिखता है हमारे घर से, है ना? और यहाँ हमें किचन में दूध बॉयल होने के लिए रखा है। और मैं आपको आइकिया से लाई हुई एक और चीज़ दिखाती हूँ। ये ना एक स्पिनर है और धनिया वगैरह धोने के लिए और उसको ड्राई करने के लिए। तो पानी भर रही हूँ, मेरे घर धनिया रखा है, उसे धोती हूँ। बस एक बार ऐसे करके दो तीन बार धो लेती हूँ। मैं भी इसे फर्स्ट टाइम ही यूज़ कर रही हूँ, बट मैंने बहुत सारे लोगों के पास यूट्यूब पे और आइकिया जब भी जाती थी ना हमेशा ये देखती थी, सोचती थी ले लूँ। बट लास्ट टाइम भी मैंने इसे पिक किया, बट मैंने देखा ये 500 समथिंग था तो मैंने इसे वापस डाल दिया। अभी ये सिर्फ मुझे 219 रुपये मिला 219 का, इसलिए मैंने ले लिया। और ये इस तरीके से इसमें नेट लगा देते हैं और अब करते हैं इसे ड्राई। आप बस इसे धोने के बाद आप ऐसे टिश्यू में डाल दीजिए, धनिया काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ख़राब ही नहीं होगा। इस तरीके से टिश्यू में और इसका ढक्कन को कर देंगे बाय। और ये अनदर एक छोटी सी डब्बी है दो, ये मैंने ली थी नमक और चाट मसाला डाइनिंग टेबल पे रखने के लिए। मेरे पास थी हैं, काफ़ी सारी हैं, लेकिन स्प्रिंकल वाली नहीं थी तो मैं इसे देख रही थी काफ़ी दिन से और मुझे ना प्लास्टिक की नहीं कांच की चाहिए थी। सो फाइनली आई गॉट वन। शाम का समय हो गया है और मैं यहाँ पर आ गई हूँ प्लांट्स को पानी स्प्रिंकल करने। इससे जितनी भी धूल मिट्टी होती है, जैसे कि मैंने बताया था हमारे पड़ोस में एक कंस्ट्रक्शन साइट है तो उससे धूल मिट्टी बहुत आती है, तो इनमें शाम में पानी स्प्रिंकल करना काफ़ी सही रहता है। और ये जो स्प्रिंकल वाली बॉटल है ये भी मैंने आइकिया से ली है सिर्फ 99 रुपीज़ की। वैसे भी ये वाली बॉटल, ये मेरी तीसरी परचेज है, ये वाली बॉटल की एज ज़्यादा नहीं होती है, जल्दी से ख़राब हो जाती है, बट 99 में कोई बुरी भी नहीं है, छोटी सी है। बाकी जनरली से बहुत बड़ी आती है जिससे हाथ दर्द हो जाता है। एक जो परचेज मुझे इस बार आइकिया से वो सबसे अच्छी लगी वो थी डाइनिंग टेबल की सीट जो कि मैंने ली है। ये 595 की थी आई गेस,
और ये काफ़ी इसकी क्वालिटी अच्छी है। एक तो इसमें ना ये देखो इधर वेलक्रोज हैं, ये वेलक्रोज हैं तो ये टूटेगा नहीं। एक्चुअली हमारे पास ये वाली थी, ठीक है, इसमें क्या है ये थ्रेड्स है और ये जनरली टूट जाते हैं, जब हम लाए उसके एक महीने बाद ये टूट गए थे, तो इसलिए हम ये वाली लेके आए। लेकिन अभी हम एक ही लेके आए हैं, नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो पक्का से चारों के लिए ले आएंगे क्योंकि हमारे पास चार चेयर हैं। बहुत ही क्यूट सी परचेज थी इस बार हमारी, वो थी कुहू का ये पोलर बियर और कुहू ने इसका नाम रखा है पांडू, है ना कुहू? इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्नोई। ओ, इसका नाम स्नोई है। ये कितने का लिया था? ये 245 का था, है ना? 245 का इसका प्राइस था और कुहू को तो ये बहुत प्यारा लगा, है ना बिट्टू? हाँ। क्यूट है ये? हाँ, ये तो मेरा बच्चा है। शाम को जब बादल ऐसे हो जाते हैं, मतलब आसमान ऐसा हो जाता है ना ऑरेंज, बड़ा प्यारा लगता है। और एक नैप लेने के बाद हमारे रूम की हालत ऐसी हो जाती है। तो कुशन्स नहीं है आई गेस से, इसका एक का प्राइस 149 था, बहुत ही सॉफ्ट है, मज़ा आता है, इसका फाइबर का है पूरा बना हुआ। और ये मतलब था तो ऐसे 400 का पहले, लेकिन इसका प्राइस डिस्काउंट में मिल रहा था 149 में। इस बार आई गेस में ना बहुत ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा था, अगर आप प्लान कर रहे हैं तो एक बार ज़रूर विजिट करना। एक ना ये पिलो हमने लिया है, पिलो दिखाती हूँ, कवर भी लिया है, ये कवर था, दो का सेट है क्योंकि ये पिलो बहुत चौड़ा था इसलिए हमें कवर लेना पड़ा। ये कवर 279 का था, कॉटन मटेरियल है, दो मुझे कवर इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया बट ठीक है। और ये पिलो था, पिलो बहुत ही अच्छा है और पिलो का जो प्राइस है वो 1390 है। आई नो थोड़ा महंगा है बट ये पिलो ऐसे ही इतने प्राइस के आते हैं क्योंकि बहुत सॉफ्ट होते हैं, अच्छा लगता है इन्हें सो के, सपोर्ट अच्छा मिलता है आपकी गर्दन को। ये मेरा है कि किसका है? पापा का। जय श्री कृष्ण।